अगर आप भी बिना मेहनत करे अमीर बनना चाहते हो और बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हो और आप नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहते हो तो आप बिल्कुल ही गलत चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ही क्लिक बेट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको एक भी शब्द का झूठे नहीं मिलेगा। और आपको अमीर बनना है या फिर अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है स्टॉक मार्केट में तो आपको मेहनत करनी होगी। मैं आपको इस चैनल पर 6 महीने तक अपनी ट्रेडिंग है बहुत सिखाऊंगा। अभी तक ऑलरेडी मैं आपको फ्री में बेसिक लेवल का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है यह प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपको सबसे पहले मेरा ये जो कोर्स है यह देखना पड़ेगा। इसके बाद 25 अगस्त से मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 2 महीने तक बताऊंगा, जिसमें आप पहले सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करना। उसके बचे हुए 2 महीने में मैं आपको एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स यह फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ताकि यह साल खत्म होने से पहले आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वह बन सके। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तभी आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे हैं। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमने 3 इंडिकेटर का यूज करा। ये जो सेटअप है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट है। इसके अलावा क्या है? ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको यहाँ पर कुछ भी पैसे पे नहीं करने हैं। मैं आपको ये फ्री सॉफ्टवेयर में ही ये सेटअप बनाना सिखाऊंगा। अब मैं आपको ये जो इंडिकेटर है सबसे पहले मैं ये अप्लाई करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पर आएंगे। अब हम इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है EMA। जैसे ही आप EMA लिखेंगे तो ये जो इंडिकेटर आपको शो होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप सभी को पता ही है। हम इस इंडिकेटर को क्या करेंगे? चार्ट पे अप्लाई। ये इंडिकेटर हमारा अप्लाई हो गया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? हमारे 2 इंडिकेटर और बच रहे हैं। फिर से आप इंडिकेटर के ऑप्शन पे आइए। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है ट्रेड प्रो। जैसे ही आप ट्रेड प्रो लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर है वह शो होने लगेंगे। पर यहाँ पर आपको जो पहला इंडिकेटर आ रहा है ट्रेड प्रो रिजेक्शन जोन, आपको यह वाला इंडिकेटर है इसे अप्लाई करना है। इसके क्रिएटर आप देख लीजिएगा स्ट्रेट फेदर है और इसके यूजर्स कितने हैं? 59 है। और आप यह देख सकते हैं यह इंडिकेटर भी फ्री है। इस पर क्लिक करेंगे यह भी अप्लाई हो गया। अब जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो है हमारा ओसम ऑसिलेटर। तो आप AWE लिखेंगे तो जैसे ही आप ओसम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पहला इंडिकेटर शो होगा ये टेक्निकल्स में, आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। तो हमारे ये जो 3 इंडिकेटर है ये अप्लाई हो गए। तो चलिए मैं आपको इंडिकेटर की सेटिंग है यह बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जो EMA है आप EMA पे आएंगे। EMA पे आने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट है, इनपुट पर आना है। इनपुट पर लेंथ 9 है, 9 की जगह आपको 100 करना है। 100 करने के बाद आप स्टाइल पर आ जाइए। इस लाइन की थिकनेस है इसे बस बढ़ा लीजिएगा, कलर यही रहने दीजिए, क्योंकि आपको दूर से पता चल जाना चाहिए ये 200 EMA। तो आप ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारी ब्लू कलर की लाइन 200, ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी क्या हो गई? 100 EMA। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने 100 EMA लगाया है। आपको बिल्कुल सेटिंग है डिफरेंट नहीं बता रहा हूँ। अब आप ये जो ट्रेड प्रो है आप ट्रेड प्रो पे आएंगे। ट्रेड प्रो पे आने के बाद आप यहाँ पर इनपुट है, इनपुट पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सीधा स्टाइल पर आना है। स्टाइल पर आने के बाद ये जो फास्ट एम है आपको इसे अनचेक करना है, स्लो एम है आप इसे भी अनचेक करेंगे। रिजेक्शन जोन पे ये कलर 0 है इस पर क्लिक करेंगे। ओपेसिटी है इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि ये ग्रीन बैंड थोड़ा अच्छे से दिखने लगे। लगभग 40% बहुत है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं इसे 40% पे रख लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से कितने पे भी रख लीजिएगा। कलर 1 पे भी आप यही करिएगा, आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा के 41% के बीच में रख लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। लास्ट इंडिकेटर है ओसम ऑसिलेटर। ओसम ऑसिलेटर में कुछ भी चेंजेस है नहीं करने हैं, ये आप जैसा अप्लाई करेंगे आपको वैसा ही रखना था। फिर भी आपकी शांति के लिए मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। इनपुट पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, स्टाइल पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे आप फाइनल सेटअप के रिजल्ट भी देख सकते हैं ट्रेड प्रो में भी, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको सेम सेटिंग बताई और ओसम ऑसिलेटर में भी सेम सेटिंग बताई, मैंने आपको बिल्कुल दूसरा सेटअप है नहीं बताया। अब आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट अप्लाई कर रखा है। निफ्टी 50 के चार्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे 3 मिनट में लाइव ट्रेड है लेके बताऊंगा 7 से 8, ताकि आप ट्रेड करना इजीली सीख जाए। तो आप मैं यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे किसी भी दूसरे स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, पर आपको क्या करना होगा, पहले आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 100 टाइम है ट्रेड करेंगे। अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताऊं, मान लीजिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपने 10 ट्रेड लिए, तो जो बिगनर रहेंगे उनकी एक्यूरेसी 40% रहेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके 4 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे और 6 ट्रेड लॉस में रहेंगे। और जो ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे बिना कोर्स देखे तो उनकी एक्यूरेसी लगभग 60% होगी। 60% से आपके 6 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे और 4 लॉस में होंगे, तो आपका रिस्क से डबल आपका हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, जो मैं आपको लेकर बताऊंगा। तो 4 ट्रेड में आपके प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 16%। और ये जो 6 ट्रेड है, 6 ट्रेड में आपका लॉस कितना होगा? सिर्फ 12%। यहाँ पे भी आप 4% घर लेके जाएंगे, पर मुझे आपको 60% एक्यूरेसी पे पहुँचाना है, तो आपका प्रॉफिट 24% हो जाएगा, क्योंकि आपका 4% का प्रॉफिट है हर ट्रेड में और लॉस आपका कितना होगा? 8%। तो यहाँ आप 10 ट्रेड में प्रॉफिट कितना लेके जाएंगे? 16%। अगर आपने 15% भी बुक करा चार्जेस के बाद, तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ निफ्टी का आप लाइव चार्ट देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी ओपन है, मूव हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको निफ्टी में
लाइव बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है वो लेकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइव सेलिंग के ट्रेड मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे मैं आपको कंडीशन लेके बताऊंगा, तो आप सेलिंग के ट्रेड लेना समझ जाएंगे। तो आप सेलिंग की कंडीशन है या तो आप पेपर और पेन से नोट कर लीजिए, यह आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्राइस इस 100 EM है, इसके नीचे ट्रेड करनी चाहिए। यह हो गया आपका पहला रूल, 100 EM के नीचे कैंडल ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, कोई भी एक कैंडलस्टिक क्या है आपका, ये जो ट्रेड प्रो इंडिकेटर है इसके नीचे क्लोजिंग देते। आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने क्या करा, ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी। और आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने भी क्या करा, ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी। सेलिंग के ट्रेड की सेकंड कंडीशन है, आपको ये जो ट्रेड प्रो इंडिकेटर है इसके नीचे क्या मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए। उसके बाद आपको फाइनली क्या देखना है, आपको यहाँ आना ओसम ओसिलेटर में। जिस कैंडल पर आपको क्लोजिंग मिलेगी उस कैंडल पर आपको यहाँ नीचे आना है, और आपको यहाँ पर क्या देखना है, ओसम ओसिलेटर में यहाँ पर रेड बार बनने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इस कैंडल पर रेड बार बन रहे हैं और इस कैंडल पर भी आप क्या देख सकते हैं, रेड बार, दोनों तरफ रेड बार बन रहे हैं। अब मैं आपको जूम इन करके यहाँ पे एक और एडवांस रूल है वह बता देता हूँ। आपको यहाँ रेड बार पे दो चीज़ें नोटिस करनी है। आपको क्या देखना है, ये जो रेड बार है ये क्या होना चाहिए, ये जो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो जीरो वाला लेवल है, ये रेड बार आपके होने चाहिए इस जीरो वाले लेवल के अबो, इस सेंटर लाइन के अबो रेड बार होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं रेड बार सेंटर लाइन के नीचे है। अगर सेंटर लाइन के नीचे होंगे तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, सेंटर लाइन के ऊपर होंगे तो आप ट्रेड करेंगे। तो आप क्या देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक क्या है आपकी, आप देख सकते हैं इसने ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी। आप सेलिंग का ट्रेड ले रहे हैं तो कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, कॉमन सेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं इसने वह भी कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओसम ओसिलेटर में भी यहाँ पे क्या बना, रेड बार बना। और रेड बार क्या है, आप देख सकते हैं ये जो जीरो लाइन है इससे अबो है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे पहली बार सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी एक सेल की एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं ये सारी ड्रॉइंग से इसे डिलीट करता हूँ। और हमने यहाँ पे क्या करी, शॉर्ट सेल की इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपने एंट्री करी। सबसे पहले आपने यहाँ पे एंट्री करी, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट पे डिस्कस करेंगे? नहीं, सबसे पहली चीज़ है आपको स्टॉप लॉस रखना। अगर आपने रिस्क मिनिमाइज कर लिया आप प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 60% एक्यूरेसी पे मैं आपको प्रॉफिट बता रहा था, दूसरों जैसा नहीं 90% एक्यूरेट रही है, और तो भी महीने के लॉस में, अभी महीने के अंत में आप लॉस पे जाइए, मुझे आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। यहाँ पे आपने एंट्री ली तो आपकी एंट्री प्राइस क्या होगी, आप देख सकते हैं 17,342 आपकी एंट्री प्राइस होगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड है, आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। आपको एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना है या आपको इन द मनी का करना है? आउट ऑफ द मनी का जो पुट ऑप्शन है आप बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे, और मुझे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करानी है, आपके लॉसेस नहीं बढ़ाने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस रखना है। या तो आप सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर आप रखेंगे 200 EMA पे। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इस कैंडल का हाई आप देखेंगे 200 EMA के नीचे। अगर 200 EMA जो भी स्टॉप लॉस छुटा होगा, या तो आप इस कैंडल के हाई पे रखेंगे या 200 EMA पे। अगर 200 EMA की लाइन यहाँ पे होती तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते, जो भी स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। ये कैंडल का हाई छोटा है तो आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इस ट्रेड में अगर आपने 2% का रिस्क लिया है, यहाँ पे आपका रिस्क 2% हो गया, आपके कैपिटल का 2%, तो आपका रिटर्न कितना होगा, आपके कैपिटल का 4%। तो यहाँ पे आपको अपने कैपिटल का 4% रिटर्न मिल जाएगा, रिस्क से डबल रिटर्न, जो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से लिख के आ रहा है। जैसे ही 2 लिख के आने लगा, जितना भी रिस्क है उससे डबल आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रॉफिट बुक करा क्योंकि हमने अपने कैपिटल का 2% रिस्क लिया था। अब इसके बाद हम और जल्दी से ही ट्रेड करना सीख जाएंगे। अब इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम एंटर कब करेंगे, नेक्स्ट टाइम एंट्री के लिए आपको वेट करना है। कोई भी एक कैंडलस्टिक होगी, क्या होगा, पहले वो ये जो बैंड है इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, और फिर ही तो ये कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोजिंग देगी। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद जैसे ही नीचे क्लोजिंग देगी इस कैंडल पर, तो आप इस कैंडल पर अपनी सारी कंडीशन चेक करेंगे। इस कैंडल ने क्या करा, आपको ट्रेड प्रो है इसके नीचे क्लोजिंग दी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक 100 EMA है, इसके भी नीचे थी। अब आपको चेक करना था ओसम ओसिलेटर में यहाँ होनी चाहिए रेड बार, यहाँ पे रेड बार है, और इनकी वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं जीरो लाइन से अबो है क्योंकि ये अपसाइड बने। तो यहाँ पे आपके सारे रूल फिर से फॉलो हो रहे थे। तो आप यहाँ से फिर क्या करेंगे, आप अपना सेकंड सेलिंग का ट्रेड है इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से ये जो लाइव ट्रेड है यहाँ पे लिया, और अब आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे आपने क्या रखा, स्टॉप लॉस। अब जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट, उससे डबल प्रॉफिट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में कहाँ लिख के आने लगेगा, 2 पे। आप देख सकते हैं 2 पे कहाँ लिख के आया, यहाँ जैसे ही 2 लिख के आया आपका प्रॉफिट है अचीव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक ने भी आपको क्या करा, आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक ने भी आपको ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी, पर यहाँ आप देख सकते हैं ओसम ओसिलेटर ग्रीन कलर का, इसलिए आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। अब आप इससे पहले फिर चेक करेंगे, इससे पहले फिर आपको क्या चेक करना था कि प्राइस ओसम ओसिलेटर के ऊपर जाए और फिर वापस से नीचे क्लोजिंग दे, तब आप अपनी एंट्री करेंगे। तो अगर आप यहाँ से पास्ट में आएंगे तो आप क्या देख सकते हैं कि पास्ट में आप देखेंगे कि यह जो बड़ी कैंडलस्टिक थी
यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने एरिया में आप क्या चेक करेंगे, ओसम ऑसिलेटर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो लाइन के बिलो सारे रेड बार बन रहे हैं, और जीरो लाइन के बिलो रेड बार बन रहे हैं तो इस एरिया तक तो आपको एंट्री मिलनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे रेड बार क्या है जीरो लाइन के नीचे है, तो यहाँ आपको एंट्री नहीं मिली। इससे पहले आप चेक करेंगे जहाँ आपको ओसम ऑसिलेटर की वैल्यू क्या हो, जीरो लाइन के अबो हो, तो हमें हल्का सा जूम करना पड़ेगा। अगर आप हल्का सा जूम इन करके इस एरिया में आ गए, और मैंने यहाँ पे भी जूम इन कर लिया, तो आप क्या देख सकते हैं इस एरिया में, आप देख सकते हैं ओसम ऑसिलेटर क्या है, जीरो लाइन के बिलो है, जीरो लाइन के नीचे ये बार डाउन साइड बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जीरो लाइन के बिलो है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जीरो लाइन के बिलो है, पर आपको एंट्री कहाँ मिलती, आपको इस कैंडल पर देख सकते हैं। इस कैंडल स्टिक ने क्या करा, 100 EMA के तो नीचे था ये कैंडल स्टिक, 100 EMA के नीचे, इस कैंडल स्टिक ने आपको ट्रेड प्रो है इसके नीचे क्लोजिंग दी, और यहाँ पे आप देखेंगे ओसम ऑसिलेटर में रेड बार है और ये जीरो लाइन के अबो है, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे आप अपना क्या रखते हैं स्टॉप लॉस, आप यही करते तो आपने क्या करा, आपने इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली, और सेम कैंडल के हाई हमारा स्टॉप लॉस था, हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट होगा। उससे डबल प्रॉफिट आपको कहाँ पर बुक होगा, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड में 2 लिख के आना चाहिए। चाहता तो मैं आपको यह बता सकता था आप 2% का रिस्क ले और आप 16% का प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यहाँ 8 लिख के आ रहा है, पर मैंने क्या बोला, धोखेबाजी के काम बिल्कुल नहीं है, आपको रिस्क से हमेशा डबल प्रॉफिट है उसी पे बुक करना है। अब इसके पीछे का भी एक रीज़न होना चाहिए, जितना रिस्क ले रहे हैं उससे डबल ही पे प्रॉफिट क्यों बुक करें। जब आप इसे 100 बार टेस्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जितना आप रिस्क लेते हैं उससे बहुत सी बार आपको डबल प्रॉफिट अचीव होता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो हमें यह चीज़ें भी फैक्टर करनी है। चाहता तो मैं आपको यहाँ पर धोखा दे सकता था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट इस रेड कैंडल पर अचीव हुआ, इसीलिए हमने ये वाली जो कैंडल है इस पर एंट्री नहीं करी, क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू था, और आप देख सकते हैं इस कैंडल पर भी आप देख सकते हैं ट्रेड प्रो में आपको नीचे क्लोजिंग मिली, पर आपका ट्रेड यहीं से कंटिन्यू था, तो आप यहाँ पर फिर से री एंटर थोड़ी करते, क्योंकि आपकी तो एंट्री पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री नहीं करी, और इसलिए अब हमारी यहाँ पर भी एंट्री, और यहाँ पर हमारी एंट्री क्यों नहीं, क्योंकि जो ट्रेड प्रो ओसम ऑसिलेटर के बारे में वो क्या है, जीरो लाइन के बिलो आ गए, और यहाँ पे आपकी एंट्री है मिलती नहीं, तो आपने सेलिंग किया यहाँ ले लिया। अब इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, इसके बाद आपको इस कैंडल स्टिक ने क्या करा, इस कैंडल स्टिक ने आपको यहाँ देख सकते हैं ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी, 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, कैंडल का कलर रेड है, यहाँ पे देखना था ओसम ऑसिलेटर के बार क्या होने चाहिए, रेड बार है, जीरो लाइन के अबो है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, और आपको क्या करना है, आपको सेम कैंडल के हाई पे अभी तक आप स्टॉप लॉस रख रहे थे, पर मैंने आपको स्टॉप लॉस के क्या दो क्राइटेरिया बताए थे स्टार्टिंग में, या तो आप सेम कैंडल के हाई पे रखेंगे, या आप क्या रखेंगे 200 EMA पे, जो भी स्टॉप लॉस आपको छोटा मिले। अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि ये जो सेम कैंडल का हाई है ये ज़्यादा है, और आपका 200 EMA नीचे है, तो आपको 200 EMA पे छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो आपने वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया। आप रूल तो याद ही होगा आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और रिस्क से डबल आपको प्रॉफिट मिल रहा था, रिस्क से डबल आपको प्रॉफिट यहाँ पे इजीली मिल गया। अब हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंट्री है कर ली है, अब मैं आपको थोड़े सेलिंग के, अब मैं आपको थोड़े बाइंग के ट्रेड है वह भी बता देता हूँ, पर मुझे लग रहा है शायद मैंने यहाँ पे एक जो सेलिंग का ट्रेड है यह मिस कर दिया इस कैंडल पर। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने एक लॉस वाला ट्रेड है अवॉइड करा। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस कैंडल पर हमने एंट्री क्यों नहीं करी, एंट्री का क्राइटेरिया क्या बताया था, पहले ये जो कैंडल स्टिक है यह इस ट्रेड प्रो है इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर जाएगी और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, तभी आप एंट्री है करेंगे। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं किसी भी ट्रेड को स्किप करके आपको यह नहीं बताना चाहता कि सिर्फ हम प्रॉफिट वाले ट्रेड लेते हैं या लॉस वाले ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉलो नहीं होती। इससे पहले आप देखेंगे दोनों EMA के ऊपर क्लोजिंग गई फिर नीचे मिली, इस ट्रेड में भी आप देखेंगे दोनों EMA के ऊपर क्लोजिंग थी फिर नीचे मिली, है ना, और इससे पहले वाले भी ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पर दोनों EMA के ऊपर क्लोजिंग फिर नीचे, तब आपने एंट्री है करी, और यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों EMA के ऊपर क्लोजिंग फिर नीचे, और यहाँ पर अब आपको एक और ट्रेड दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे इस कैंडल स्टिक पर आपको फिर से एंट्री है नहीं मिलती। यहाँ पे आप क्या देखेंगे ट्रेड प्रो है, ट्रेड प्रो ने क्या करा इसके नीचे क्लोजिंग दी, पर यहाँ पे ओसम ऑसिलेटर पर आप इस कैंडल पर चेक कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन बार बन रहा है, इसलिए हमें एंट्री है नहीं मिली, हमें क्या चाहिए था रेड बार, और यहाँ पे ग्रीन बार, इसलिए आपको एंट्री नहीं मिली। अब मैं आपको बाइंग का ट्रेड है बताता हूँ, तो हम फिर से लाइव चार्ट पे आ जाते हैं, और अब आपको बाइंग का ट्रेड बताता हूँ। तो बाइंग के ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कोई भी एक कैंडल स्टिक क्या हो इस 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, और उसके बाद ये इस ट्रेड प्रो है इस ट्रेड प्रो के भी ऊपर क्लोजिंग दे दे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको ओसम ऑसिलेटर में ग्रीन बार चाहिए, और अब ग्रीन बार क्या होना चाहिए, ये आपकी ये जो जीरो वाला लेवल है इस लेवल के नीचे होना चाहिए, इस लेवल के नीचे ग्रीन बार होना चाहिए, तो आप एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन बार जीरो वाले लेवल के नीचे ऐसे दिखते हैं, और जीरो वाले लेवल के ऊपर ऐसे और ऐसे दिखते हैं, आपको चाहिए जीरो वाले लेवल के नीचे ऐसे और ऐसे, आप समझ गए। अब चलिए मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि पहली बार आप यहाँ फिर से देख लीजिए लाइव चार्ट चल रहा है हमारा, है ना, ये हमारा लाइव चार्ट है, आप देख सकते हैं प्राइस भी मूव हो रही है। पहली आपको क्या चाहिए थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक ने क्या करा, आपको ट्रेड प्रो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी,
इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, मार्केट यहाँ बंद हुआ और नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो गया। आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने आपको क्या करा, 100 ईएम है इसके भी ऊपर क्लोजिंग दी। तो आपको क्या करना था, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस। पर यहाँ पे आपको चेक करना था ओसम ओसिलेटर में ग्रीन बार क्या होना चाहिए, जीरो लाइन के बिलो। अगर आप यहाँ से कर्सर ले जाएंगे इस कैंडल पर, आप क्या देख सकते हैं ओसम ओसिलेटर के बार क्या है, जीरो लाइन के ऊपर है। तो यह ट्रेड आपका क्या हो गया, अवॉइड हो गया। अब आप फिर से एंट्री कब करेंगे, आप वेट करेंगे प्राइस जाए इन दोनों ओसम ओसिलेटर के नीचे क्लोजिंग दे, और फिर से जब ये ऊपर क्लोजिंग करेगी इन दोनों के, तो आप एंट्री है फिर से करेंगे। तो अब हमें पास्ट में जाना होगा बाइंग के ट्रेड लेने के। तो अब मैं सेलिंग वाले ट्रेड है अवॉइड कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ बाइंग वाले ट्रेड है वह ढूंढ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक करिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे इस एरिया में जो ग्रीन बार बन रहे हैं वो क्या है, जीरो वाले लेवल के अबव बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो बाइंग के ट्रेड है मिल लेने ही चाहिए थे, क्योंकि आपको बाइंग का लेवल क्या चाहिए, जो ग्रीन बार है वो जीरो लाइन के बिलो होना चाहिए। तो इस एरिया में आपको बाइंग के ट्रेड है नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे प्राइस क्या है, 100 ईएमए के नीचे। तो यहाँ पे आपको सेलिंग के ट्रेड मिलने हैं, सेलिंग के ट्रेड हमने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, तो हम वो लेके टाइम पास है, टाइम पास नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको जो बाइंग वाले ट्रेड है वह मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमने अवॉइड करे थे और यहीं पर आपको बाइंग वाले ट्रेड मिल गए। कैसे मिले, आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक ने क्या करा, ट्रेड प्रो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी। आप क्लियरली देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने आपको क्या करा, 100 ईएमए है इसके भी ऊपर क्लोजिंग दी, आपको ईएमए पे क्लोजिंग मिल गई। अब आपको यहाँ पे चेक करना था ओसम ओसिलेटर में बार क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर के और जीरो लाइन के लेवल बिलो। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर ले जाएंगे, आप इजीली देख सकते हैं इस कैंडल पर जो हमारे ओसम ओसिलेटर के बार है वो क्या है, वो जो जीरो लाइन है इससे बहुत ही ज़्यादा बिलो है। तो हमारे जीरो लाइन के बिलो ग्रीन बार है, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो हम सबसे पहले इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस के मैंने आपको दो रूल क्या बताया, या तो आप बाइंग में क्या करेंगे, सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे, या आप रखेंगे 200 ईएमए, या आप रखेंगे 100 ईएमए पे, जो भी आपको स्टॉप लॉस छोटा पड़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 100 ईएमए का स्टॉप लॉस छोटा पड़ रहा था और सेम कैंडल का लो ज़्यादा, तो आपको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। तो हमने क्या करा, हमने इस 100 ईएमए है इस पे ही अपना क्या रख दिया, अपना स्टॉप लॉस, और अब आपको रिस्क से डबल प्रॉफिट रखना था। 2% का रिस्क है कैपिटल पे, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 4%। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिस्क डबल आपको प्रॉफिट अचीव हो गया। अब आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक ने आपको फिर से क्या करा, 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, पर यहाँ आप देख सकते हैं रेड बार है और जीरो लाइन के अबव है। तो यहाँ आपके फिर से जो ट्रेड है, ये आपके दोनों क्लोजिंग वाले ट्रेड है, ये अवॉइड हो गए। अब इससे पहले आप फिर चेक करेंगे इस कैंडल पर, आप क्या चेक करेंगे, इस कैंडल पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्राइस है उसने 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, पर यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड मिल रहा है। सेलिंग का ट्रेड नहीं, यहाँ पे तो ना आपको बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, ना आपको सेलिंग का मिल रहा है। यहाँ आप क्या देख सकते हैं, इस कैंडलस्टिक ने क्या करा, इस कैंडलस्टिक ने आपको ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी, और आप देख सकते हैं आपको क्या करा, 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी। पर सेलिंग का ट्रेड है, तो ये जो रेड बार है ये जीरो लाइन से अब होना चाहिए, पर ये जीरो लाइन के बिलो है। तो यहाँ आपको ना सेल का ट्रेड मिला, ना बाय का, तो यहाँ आपको एक भी एंट्री नहीं मिल रही थी। तो अब हम इससे पास्ट में चेक कर सकते हैं। इससे पास्ट में आप कहाँ चेक करेंगे, आप इस कैंडल पर चेक कर सकते हैं। इस कैंडलस्टिक ने आपको क्या करा, दोनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस 100 ईएमए के भी ऊपर है। और यहाँ पे आपको क्या चेक करना था, ओसम ओसिलेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रीन कलर की और जीरो लाइन के बिलो। अगर आप यहाँ पर और जूम इन करके चेक करेंगे, तो इस कैंडल पर आप क्लियर देख सकते हैं प्राइस क्या है, ओसम ओसिलेटर की ग्रीन कलर की और जीरो लाइन के बिलो। तो इस कैंडल पर आपकी एंट्री बन रही थी, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे अपना, सेम कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस, या 200 ईएमए पे आपको छोटा कहाँ मिल रहा है, सेम कैंडल के लो पे। तो आपने यहाँ पे रख दिया, रिस्क से डबल प्रॉफिट, यहाँ आपको ढाई गुना हो रहा है, पर प्रॉफिट आपको डबल पे बुक करना है। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, किसी भी प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे फिर से कैंडलस्टिक आई ओसम ओसिलेटर के, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेड प्रो के नीचे क्लोजिंग दी, फिर से ट्रेड प्रो के ऊपर क्लोजिंग मिली, नहीं मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओसम ओसिलेटर में ग्रीन बार क्या थे, जीरो लाइन के कभी बिलो नहीं थे, तो यहाँ पे आपको एंट्री है नहीं मिली। तो मैं आपको इतना ढूंढ ढूंढ के सारे ट्रेड बता रहा हूँ, किसी भी ट्रेड को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे, फिर से आपको ट्रेड प्रो के ऊपर कहाँ क्लोजिंग मिल रही है, आप देख सकते हैं इस कैंडल पर आपको मिल रही है, आपको इस भी कैंडल पर मिल रहा है ट्रेड, और आपको यहाँ पे भी मिल रहा है ट्रेड। हाँ, यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल रहा है इस कैंडल पर, यहाँ पे आपका शायद, हाँ यहाँ पे आपको पहला वो से यह हिट होगा। हिट कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि इस कैंडल स्टिक ने क्या करा, आपको 100 ईएमए पे क्लोजिंग दी और ट्रेड प्रो पे क्लोजिंग दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओसम ओसिलेटर जीरो लाइन के नीचे एक ग्रीन कलर के, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस। रिस्क से डबल प्रॉफिट रखना था, पर यहाँ पे आपका जो पहला लॉस है, यहाँ पे आपका एक लॉस हिट हुआ, और मैं आपको क्या बताया, सिर्फ 6 ही प्रॉफिट होने थे। अब हम जूम अप करके कैलकुलेट कर लेते हैं अभी तक हमारे प्रॉफिट और लॉस कितने हो गए। आप यहाँ देखेंगे हमारा एक लॉस हुआ, ये हमारा पहला ट्रेड, ये हमारा दूसरा ट्रेड, और इसके बाद ये हमारा तीसरा ट्रेड, और उसके बाद आप देख सकते हैं चौथा पाँचवा है ना, पाँच ट्रेड हुए हैं हमारे यहाँ पे। पाँच के बाद हमारा ये हमारा छठा ट्रेड, और ये हमारा सातवा ट्रेड, सात ट्रेड हो गए। हमने सात ट्रेड लिए, जिसमें से हमने क्या करा, सात ट्रेड में से हमने 6 में प्रॉफिट बुक करा और एक में लॉस हुआ।
टोटल हमें क्या हुआ, 24% का प्रॉफिट हो गया और 2% का लॉस हो गया। बट इतना ही हो गया, आपको मिनिमम इसे ऐसे ही 100 टाइम टेस्ट करना है, और जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही आप पता लगाएंगे आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, 60% एक्यूरेसी पे भी प्रॉफिट करना है, तो 60% एक्यूरेसी 10 में से 6 ट्रेड में ही हो जाती, जो हमें 60 ट्रेड में से 6 प्रॉफिटेबल है। पर ये एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग कितनी होगी, 70% होगी। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप 80 भी ला सकते हैं, पर उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। पर मैं आपको सिर्फ 60% का टारगेट दे रहा हूँ, तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप सभी को इतनी सारी चीज़ें इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके पीछे का मेरा रीज़न ये है कि मुझे साल खत्म होने से पहले 20,000 सब्सक्राइबर हिट करना है, इसलिए यह सारा कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा भी इसमें फ़ायदा है।